हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ऋषि यश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो या फिर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके सिलेबस के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स है तो यह लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यह बात समझ लिया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पर बातें कर लिया है। तो अब चलिए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में यह बात पढ़ना है, हमने अपने लास्ट लेक्चर के लास्ट कुछ मिनट्स में यह डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि हम एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन एक्चुअली कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पूरा आप डिटेल से समझेंगे। हम इसके लिए दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारे पास होगा रेट कॉन्स्टेंट मेथड। ठीक है, एक्चुअली पिछला लेक्चर काफ़ी बड़ा होने लग गया था इसलिए हम एक सेपरेट लेक्चर बना रहे हैं, अदरवाइज लास्ट लेक्चर ही हमारा लास्ट, मतलब जो हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे वह इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होता। ठीक है, बट एक्चुअली डेढ़ घंटे का कॉन्सेप्ट हम आधे घंटे में समराइज करने की कोशिश किए थे तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, चलिए एक और लेक्चर की सहायता से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, पहले इस बात को समझो। हमने यह बात समझ लिया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी एक प्रकार का ऐसा एनर्जी होता है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब प्राप्त करते हैं या फिर पाते हैं तो वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाते हैं या फिर एनर्जी बैरियर को पार कर जाते हैं और जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब बस वहाँ पर एक ही चीज़ फैक्टर डिपेंड कर रहा है कि वो ओरिएंटेशन फैक्टर है, जो कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे से कोलिजन हो गया तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे क्योंकि एनर्जी तो ऑलरेडी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर हो चुकी है। और अगर नहीं पहुँच पाए, मतलब अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो बस एक ही फैक्टर वहां पर बच गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने समझ लिया। तब उसके बाद हमने बोला था कि अर्हीनियस एक ऐसा साइंटिस्ट आए जिन्होंने यह बताया कि कैसे टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट किस इक्वेशन की सहायता से एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि जब हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वह रिएक्शन 2 से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया था। तो इस प्रकार हमने यह समझा कि जो हमारे पास अर्हीनियस इक्वेशन है उसे हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें हमारे पास एक अर्हीनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमारे पास आ रहा है A, जिसे हम एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल टर्म भी कहते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक ई आ रहा है जिसके पावर में माइनस एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ई ए अपॉन में RT हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हमने यह बात समझा था कि हमने दोनों साइड लॉग ले लिया था, तो अब हम अगर नेचुरल लॉग लेते हैं तो लॉग के इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लॉग ए इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में RT हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग के इज इक्वल टू हम जानते हैं लॉग एम इंटू एन हमारे पास फॉर्मेट में होता है, तो लॉग एम प्लस में लॉग एन हो जाता है यानी कि लॉग ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में RT हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यह जो ए है वह ई के बगल में नहीं है बल्कि उसके सफिक्स में दिया गया है।
ठीक है, उसके नीचे लिखा होता है, ठीक है, डमी इंडेक्स होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास लॉग के इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए, एंड हम जानते हैं कि यहाँ पर जब पावर में कोई भी टर्म होता है लॉग एम के पावर एन होता है तो वह एन जो होता है वह आगे आ जाता है, तो इसलिए प्लस माइनस में ई ए अपॉन में आर टी हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास लॉग ई बचेगा, ठीक है। और चूंकि मैंने यह बात पहले से ही बोला है कि यह नेचुरल लॉग है, इसका मतलब ये हो गया कि लॉग के जो हमारे पास बेस है वह ई है, ठीक है, तो लॉग ई बेस ई जब होता है तो वह वैल्यू हो जाता है वन, या लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो लॉग के इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा लॉग ए, एंड ये हमारे पास जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई ए अपॉन में आर टी हो जाएगा, एंड ये वैल्यू ऑलरेडी वन हो चुका है तो ये हमारे पास मिल गया। तो ये भी हमारे पास अरहीनियस इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक अरहीनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि लॉग 10 के रिस्पेक्ट में चीज़ों को ले सकें, यानी कि बेस को हम 10 बनाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लॉग, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लॉग एक्स है तो ऐसे सिचुएशन में उसके लिए हम अगर यहाँ पर लॉग बेस ई है, ठीक है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एल एन एक्स, ठीक है, तो एल एन जो होता है वह नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा कई बार आपके बुक में ऐसा देखने को मिल जाता है। तो जो हम नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जानते हैं कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब यह जो लॉग बेस ई है वह लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है और एक्स मिल जाता है। तो अगर हमें इन्हें बदलना है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मैंने पिछले लेक्चर में इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ पर मैं तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ। तो लॉग बेस 10 के 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर भी 2.303 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास लॉग बेस 10 ए हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हमारे पास ई ए अपॉन में आर टी मिल जाएगा, ठीक है। अब 2.303 से हम क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, तो लॉग ऑन बेस 10 के इज इक्वल टू, जब यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ऑन बेस 10 ए हो जाएगा, एंड माइनस में यहाँ पर ई ए ऑलरेडी है, लेकिन इससे जब यहाँ पर डिवीजन हुआ है तो यहाँ पर भी डिवीजन होगा, तो 2.303 आर टी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुन लीजिएगा, पता नहीं मैंने पिछले लेक्चर में बताया है या नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हमारे पास एक तीसरा इक्वेशन मिला जिसे हम अरहीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन आप सभी को ध्यान रखने हैं, ओके। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इस अरहीनियस इक्वेशन में यह जो हमारे पास अरहीनियस फैक्टर है और यह जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यह अरहीनियस ने माना था। मतलब हम टेम्परेचर को चाहे कितना भी बढ़ाएं, टेम्परेचर को हम कितना भी घटाएं, ऐसे सिचुएशन में वो इस ए और इस ई ए को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो हम रेट कॉन्स्टेंट मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, जबकि टेम्परेचर चेंज होगा, तो ऐसे सिचुएशन में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो अब सवाल आता है कि हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए दो मेथड हैं, एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारे पास है रेट कांस्टेंट मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इन चीज़ों को अब हमें रिपीट हमने कर दिया, थोड़ा सा रिकॉल कर दिया। अब ये तीनों इक्वेशन आप सभी को ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम बहुत सारी चीज़ों पर बातें करेंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो आप लोग अपने कॉपी में, अगर कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं तो अगला हेडिंग लगाइएगा। क्या हेडिंग लगाना है, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्चुअली हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग हमारा लग चुका है, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, कौन कौन से। सबसे पहला आता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे समझते हैं, ठीक है।
तो ग्राफिकल मेथड में अगर हम बात करते हैं तो हम तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हैं और उसका ग्राफ हम जब प्लॉट करेंगे तो उसमें हमारे पास स्लोप मिलेगा और स्लोप की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, तो कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हैं। मैं चलिए लास्ट वाले इक्वेशन लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंस। ठीक है, सिंस हम यह बात जानते हैं कि सिंस अर्हीनियस इक्वेशन इज, ठीक है, अर्हीनियस इक्वेशन इज, हमारे पास अर्हीनियस इक्वेशन क्या है, हमारे पास है लॉग ऑन बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग ऑन बेस 10 ए माइनस में यहाँ पर हमारे पास है ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा log on base 10 के इज इक्वल टू, मैं इसको आगे ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस में ई ए अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 एंड यहाँ पर r हो चुका है, और इस 1/t को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो हम जानते हैं मैथमेटिक्स के साथ हम इन चीज़ों को खेल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमने यह बात खेला है तो यहाँ पर हमारे पास हो चुका है माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर एंड 1/t हमारे पास यहाँ पर अलग से मैंने कर दिया। ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑन बेस 10 ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रीअरेंज इक्वेशन मिल चुका है, अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, चूंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें यह बात समझना होगा कि यह कौन सा ग्राफ शो करने के कैपेबल है। ठीक है, तो इसको अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, हम अभी तक इस चीज़ को समझ चुके हैं क्योंकि हमने अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन सभी रिएक्शन में और भी हमने शायद एक दो ग्राफ को प्लॉट किया है, तो उन सभी में हमने यह बात समझा है कि हम इस इक्वेशन की सहायता से इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो अब इसको जब हम कंपेयर करने की बात आ चुकी है तो यहाँ पर हम यह बात कह सकते हैं कि वाई क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है log ऑन बेस 10 के। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, तो m का वैल्यू ये हमारे पास पूरा है, तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे कि m इज इक्वल टू क्या है, माइनस ई ए अपॉन में 2.303 r है। ठीक है, x क्या है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है 1/t। c क्या है, तो c हमारे पास है log ऑन बेस 10 a। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप लोग पहले से ही जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर y जो है वह y एक्सिस के बारे में बता रहा है। ठीक है, और यहाँ जो m है वह यह बता रहा है कि इस ग्राफ का जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, चूंकि यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो m जो होता है वह इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m इसका स्लोप है, और x जो है वह x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और c जो है वह यह बता रहा है कि y एक्सिस को हमारे पास इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है वह जो हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो अब इसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पर लिख लीजिएगा शो, ठीक है, शो दी ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बिल बी। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अगर इस हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ को हम कुछ ऐसे प्लॉट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को देखिए। ठीक है, ओके, ये हमने क्या किया, इसे एक्स साइड माना, इसे वाई साइड माना। ठीक है, तो जो हम ऐसे सिचुएशन में ग्राफ को फिलहाल इसके रिस्पेक्ट में हम प्लॉट कर रहे हैं, तो हमने सी एक इंटरसेप्ट माना और यम हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी हम फिलहाल मान रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि वह वाई एक्सिस को यहाँ पर कट किया है तो यह जो ग्राफ होता है वह कुछ इस प्रकार से प्लॉट किया जाता है, और इसका जो स्लोप होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थीटा एंगल होगा, वो तो खैर हमारे डिस्कस ही नहीं करना। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, वह स्लोप ही एक्चुअली हमारे पास m होता है। अब ये स्लोप क्या होता है, वह यह बताता है कि वह x एक्सिस से कितने एंगल पर है, इस चीज के बारे में बताता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें इस लाइन को नहीं खींचना है। ठीक है, क्योंकि यह तो y और x के रिस्पेक्ट में हमने बात किया है,
अभी हमें यह बात करना है कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्चुअली हमने लिया क्या है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है log ऑन बेस 10 k है, ठीक है, यानी कि रेट कांस्टेंट वाला टर्म हमारे पास y साइड में है, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन में t है, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन में t हमने के फॉर्मेट में लिखा है। अब सवाल आता है, ठीक है, कि यहां पर चूंकि स्लोप है निगेटिव, ठीक है, स्लोप में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है बल्कि निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो निगेटिव क्वांटिटी के लिए हम जानते हैं कि स्लोप डाउन टू एक्स साइड होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप होता है तो यह स्ट्रेट लाइन वो भी अपसाइड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब यह निगेटिव है तो यह नीचे की तरफ आएगा और इसका स्लोप का वैल्यू यह है। तो फिलहाल हमारे पास फिलहाल नहीं पता है कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रेट मतलब गैस कांस्टेंट तो हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि यह C इज इक्वल टू इतना वैल्यू दिया है, मतलब कि यह इस वाई एक्सिस को किसी सी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हम फिलहाल सपोज करते हैं कि यहाँ पर कट किया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक अरहीनियस फैक्टर है, ठीक है। तो अरहीनियस फैक्टर को हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यह जो ए है वह के बराबर हो सकता है एक जहां पर। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम इसे लाइन को खींचेंगे तो यह निगेटिव स्लोप है, इस वजह से नीचे की तरफ आएगा और ऐसे सिचुएशन में इसका जो स्लोप मिलेगा, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 r हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है, अगर हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए या फिर एक हमारे पास ग्राफ ही दे दिया जाए, एक ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए या फिर एक हमारे पास ऐसा ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, जिसमें हमारे पास गैस कांस्टेंट का वैल्यू पता हो, वो तो खैर हमें पता ही होता है, ठीक है, क्योंकि वह एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वह यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट किया गया है और उसका स्लोप का वैल्यू दे दिया गया है, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन में 2.303 r का हम फार्मूला लगाएंगे और यहां से जब हमारे पास r का वैल्यू पता है, ये हमारे पास वैल्यू पता है और स्लोप का वैल्यू दिया रहेगा तो इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय ग्राफिकल मेथड कुछ इस प्रकार से हम करते हैं, तो यहां पर आप लोग इन चीजों को लिख भी सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर लिख लीजिएगा, सो इफ, ठीक है, इन एनी क्वेश्चन द स्लोप इज गिवन, वी कैन कैलकुलेट ई ए बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और यह ग्राफिकल मेथड में अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस में ई ए अपॉन में यहाँ पर है 2.303 इंटू आर, ठीक। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट हेडिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेट कांस्टेंट मेथड से हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब चलिए अगले मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं, इन चीजों को आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, ठीक है, 1 2 3, ओके। चलिए मैं अभी से इरेज करता हूँ, अपने अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट नाउ ये मेथड आपको समझ में आया, वैसे एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बट हाँ ये मेथड आप सभी को पढ़ना था इसलिए मैंने आपको पढ़ाया।
वैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाने चाहिए, बट इतना आपके सिलेबस में चीज़ें होती हैं कि आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछता ही नहीं है। ये आपको तब ज़्यादा काम आएगा जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम मतलब वो कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं, बल्कि आप जब ITJM वगैरह के लिए बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पर ये मेथड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम ITJM के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा हम इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकते। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जो कि हमारे पास दूसरा मेथड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रेट कॉन्स्टेंट मेथड क्या होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट मेथड के नाम से ही आप सभी को कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट दिया गया हो तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में ही एक्चुअली हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियरली विजुअल हो रही हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझिए। ठीक है, हम सपोज करते हैं, ठीक है, लेट क्या सपोज करते हैं कि लेट K1 एंड K2, ठीक है, बी टू रेट कांस्टेंट, ठीक है, टू रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ठीक है, देन तब ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास अर्हीनियस इक्वेशन होगा, देन अर्हीनियस इक्वेशन विल बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम अर्हीनियस इक्वेशन पर बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि अर्हीनियस इक्वेशन अगर हम लॉग K1 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो T1 हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, तो लॉग ऑन बेस 10 K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑन बेस 10 A हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर A नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही यह बात समझाया है कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो अर्हीनियस फैक्टर है वो नहीं बदलता है, साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं बदलता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, और ये अर्हीनियस ने माना था, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ अर्हीनियस ने माना था, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ए तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर माइनस में EA वैसे ही रहेगा, क्योंकि यह भी नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर 2.303 एंड ये जो R है वह तो गैस कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर जो हम टेम्परेचर T लिख रहे थे वो बदल जाएगा, क्योंकि हमने T1 के रिस्पेक्ट में बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल T आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर T1 एंड T2 मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो जाएगा, सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड जो हम T2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑन बेस 10 K2 इज इक्वल टू लॉग ऑन बेस 10 A हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर EA बदलेगा ही नहीं, यहाँ पर 2.303 यहाँ पर हो जाएगा R एंड यहाँ पर हो जाएगा T2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझना इस बात को, यहां पर एक्चुअली हम सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो हमारे पास माना है हमने कि टेम्परेचर T1 और T2 के रिस्पेक्ट में दो रेट कॉन्स्टेंट K1 और K2 हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज हमें पता है, T1, T2, K1, K2। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये चार वैल्यूज हमें पता हैं, तो हम इन्हीं इक्वेशन के सहायता से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, T1 एंड T2 दिया गया है, हमारे पास गैस कांस्टेंट जो है वो पहले से ही पता होता है, लेकिन लॉग ए जो है इसका वैल्यू हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ना, इसे इलिमिनेट ही कर देते हैं।
तो अगर इलिमिनेट करना है तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में लॉग, चाहे पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या फिर दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो लॉग ऑन बेस 10 के वन माइनस लॉग ऑन बेस 10 के टू इज इक्वल टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होते हुए कट जाएंगे, ये हमारे पास मिलेगा माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 आर टी वन मिल जाएगा, एंड ये सब्ट्रैक्शन की वजह से ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई ए अपॉन में 2.303 आर टी टू बन जाएगा, ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहले से ही पता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो समझो इस बात को, चूंकि यह लॉग के वन माइनस में लॉग के टू है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है लॉग एम वन अपॉन में एम टू हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में चूंकि यहाँ पर हमारे पास के वन अपॉन में के टू हो जाएगा, ठीक है, तो के वन अपॉन में के टू एंड लॉग ऑन बेस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इधर रख देते हैं, इसको इधर रख देते हैं, ऐसा हम जानते हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस को हम हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हटाना मतलब, हटाने का मतलब ये नहीं है कि हम गायब कर रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ पर इसको उस साइड रख देते हैं, ठीक है। तो 2.303 आर टी टू माइनस में यहाँ पर हो जाएगा ई ए अपॉन में 2.303 आर टी वन, ठीक है, ये हमने किया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए अब इस साइड बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो चुका है लॉग ऑन बेस 10 के वन अपॉन में के टू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई ए को कॉमन ले सकते हैं, 2.303 आर को भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ई ए अपॉन में 2.303 आर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास 1 अपॉन में टी टू माइनस में 1 अपॉन में टी वन, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुका है, ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक इक्वेशन। और इस इक्वेशन में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने पहले ही बोला है कि के वन और के टू, टी वन और टी टू हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो K1 और K2 हमारे पास दिया हुआ है और T1 और T2 हमारे पास दिया गया है, रेट कांस्टेंट का, गैस कांस्टेंट का वैल्यू हमें पहले से ही पता होता है, तो इस इक्वेशन में जो हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन इजिली कैलकुलेट, क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी बाय दिस इक्वेशन व्हेन, कब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हेन हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन, ठीक है, बाय दिस इक्वेशन व्हेन हमारे पास के वन कामा के टू टी वन कामा एंड टी टू विल बी गिवन, ठीक है, ओके तो ये हमारे पास मेथड हो गया, यानी कि हमने रेट कांस्टेंट मेथड को भी देख लिया, ग्राफिकल मेथड को भी हमने समझा, सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वैसे इसमें एक और थियरी बच रहा है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थियरी या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी के नाम से भी जानते हैं, बट वो हमारे एग्जाम में ना तो पूछा जाता है और ना ही उसके बारे में हमसे डिस्कस करने के लिए ज़्यादा कुछ बोलता है, तो इसलिए हम उस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इस ये जो हमने अरहेनियस इक्वेशन देखा है तो इसमें हमने दो बातें बहुत ही ध्यान से कही हैं। एक हमने बोला है कि यह जो अरहेनियस फैक्टर है और यह जो दूसरा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, हमने बोला कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, बट एक्चुअली बाद में यह बात पता चला, गार्डनर ने अपना एक इक्वेशन दिया तो वहां से यह बात पता चला कि ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं,
मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये लिमिटेशन आ चुका है इस इक्वेशन में, कुछ कमियां मिल चुकी हैं। तो जब कमियां मिल चुकी हैं तो उन्हें सुधारा भी जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इन्हें सुधारने के लिए गार्डनर ने अपने इक्वेशन प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट थियरी आया। ट्रांजिशन स्टेट थियरी में यह बात बोला जाता है कि जब दोनों कॉम्प्लेक्स दोनों जब हमारे पास रिएक्टेंट हैं, चाहे ए और बी हमारे पास हैं, तो जब वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तो जो हमने एक पहाड़ बनाया था जिसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, तो उस पहाड़ का जो ऊपरी सिरा है जिसे हम एनर्जी बैरियर से बता रहे थे, और उसको ऊपर हम कह रहे थे कि ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी आ जा रहा है, तो वो एक्चुअली जो एनर्जी बैरियर है वहाँ पर जो सबसे टॉप का पॉइंट है, ठीक है, वहीं पर हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, और उसके बाद जब वह लुढ़कता है ग्राफ, तो वहां पर हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो उस चीज़ को हम अलग से पढ़ते हैं, बट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने अपने अरहेनियस इक्वेशन को समझा है, और मैंने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को क्यों पढ़ा जाता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उन्हें आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मत पढ़िए, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। हाँ, अगर आप जैम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, या फिर आप किसी आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पर हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, यह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर में जब मिलेंगे तो वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि एक साइड में रिएक्शन चल रहा है, मोनो डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है, तो हम कैसे चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलेंगे, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी फॉर्म हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी फॉर्म हो, तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारी मेहनत सफल बन सके। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।